आज मैं बात करने वाली हूँ कि एयरटेल के पोस्ट पेड से प्री पेड में कन्वर्ट करने वाले वीडियो के बारे में जिसमें मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं सबको बहुत सारे डाउट्स हैं तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो उस पर वीडियो बना लेते हैं तो पहला जो डाउट है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि मेरा जो सिम है वो पोस्ट पेड से प्री पेड में कितने दिनों में कन्वर्ट होगा या फिर गलती से मेरा जो सिम है वो पोस्ट पेड हो गया है अब मैं क्या करूँ क्योंकि अब वो पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो लोग मना कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा आपका जो सिम है वो पोस्ट पेड से प्रीपेड नाइन्टी डेज़ में ही कन्वर्ट होगा आप किसी भी नेटवर्क का सिम यूज़ करो वो 90 डेज़ के बाद ही पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट होगा 90 डेज़ मतलब थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स के बाद आप 90 डेज़ होने के नेक्स्ट डे ही आप पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करवा सकते हो तो अब ये बात है कि आपका जो सिम है वो गलती से पोस्ट पेड में कन्वर्ट हो गया है तो आपको जैसे ही पता चलता है जैसे आपने गलती से पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवा लिया तो आप तुरंत ही कस्टमर केयर में कॉल करो और आप उनसे बोलो कि गलती से मेरा सिम जो है वो पोस्ट पेड में कन्वर्ट हो गया है आप इसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर दें तो वो अगर चाहेंगे तो वो पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करेंगे अदरवाइज़ किसी भी नेटवर्क में आप यूज़ करते हो सिम किसी भी नेटवर्क में आपकी जो सिम है वो पोस्ट से प्रीपेड में नाइन्टी डेज़ के बाद ही होगी और उससे पहले नहीं हो सकती है सेकेंड क्वेरी जो है वो ये है कि कुछ ड्यूज़ दिखा रहे हैं जब आप सिम को कन्वर्ट करने चाहते हो तो तो ड्यूज़ दिखाएगा जैसे कि आपका जो मंथ कंप्लीट होता है वो ट्वेंटी को कंप्लीट होता है थर्टी डेज़ का इनका स्लॉट चलता है मतलब जैसे कि अगर आपने दस तारीख को आ, आपने अपना पोस्टपेड स्टार्ट किया था और वो तीस दिनों के बाद आपका बिल जनरेट होता है तो मान लीजिए तीस दिनों बाद आपका बिल जनरेट हुआ आपने बिल पे कर दिया उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने सोचा मान लीजिए एक या दो दिन बाद आपने पोस्ट से प्रीपेड में कन्वर्ट करवाने की सोची तो जो आपने एक या दो दिन सिम यूज़ की है या फिर आपका फ़ैमिली प्लान है तो आपके जो एड ऑन सिम है उन्होंने कुछ दिन एक दो दिन यूज़ की है सिम कुछ डेटा यूज़ किया है तो वो ड्यूज़ आता है जब आप कन्वर्ट करवाते हो ज़्यादातर ड्यूज़ आते हैं और उन ड्यूज़ को आपको क्लियर करना होगा कैसे क्लियर करना है वो सारी चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैंने प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट करने का तरीका बताया है उसमें मैंने ड्यूज़ कैसे क्लियर करने हैं ये भी बताया है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी ड्यूज़ कैसे क्लियर करना है ये भी मैंने बताया है तो आपको ड्यूज़ क्लियर करने होंगे तभी आपकी जो सिम है वो कन्वर्ट होगी जो मेरी सिम है वो कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया उसके बाद कितना टाइम लगेगा तो थर्टी मिनट में जो सिम है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही आपने प्रोसेस फॉलो किया आपने अपनी सिम को मतलब मोबाइल को स्विच ऑफ़ करके फिर से स्विच ऑन किया तो आपकी जो सिम का नेटवर्क है वो चला जाएगा और 30 मिनट बाद आपको एक बार फिर से स्विच ऑफ़ करके स्विच ऑन कर लेना अपना मोबाइल तो आपकी जो सिम का नेटवर्क है वो आ जाएगा और आपकी सिम कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मली 30 मिनट में सिम एक्टिवेट हो जाती है कई बार ऐसा होता है कि जो सिम है वो थर्टी मिनट में एक्टिवेट नहीं होती है कुछ टाइम शेड्यूल में गड़बड़ी हो जाती है जैसे कि अगर आप शाम को छः बजे तक अपनी सिम को कन्वर्ट करते हो तो थर्टी मिनट में हो जाएगा उसके बाद करते हो तो कई बार उसमें थोड़ा टाइम लगता है नेक्स्ट डे तक ट्राई करो कि आपकी सिम में नेटवर्क आ रहा है या नहीं अगर नहीं आता है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करो तो वो आपको बताएंगे कि क्यों नहीं आ रहा है नेटवर्क और इसी में एक और मेरे पास मैसेज आया था कि मैंने जैसे ही प्रोसेस फॉलो किया वैसे ही मेरी सिम का नेटवर्क चला गया तो आपको सिम आ, अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ स्विच ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसका नेटवर्क खुद ही चला गया और थर्टी मिनट बाद खुद से नेटवर्क आ जाएगा और अगर नहीं आता तो आप एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो तो जो आपका फ़ोन का नेटवर्क है वो वापस आ जाएगा एक क्वेश्चन ये भी आया है कि मैंने अभी नई नई पोस्ट की सिम ही ली है मैंने कन्वर्ट नहीं करवाया है मैंने सिम ही नई ली है और अब उसको थर्टी डेज हो गए हैं तो क्या वो अब पोस्ट पेड से प्रीपेड में कन्वर्ट हो सकती है तो नहीं अगर आपको थर्टी डेज़ ही हुए हैं तो आपको सिक्सटी डेज और वेट करना होगा उसके बाद ही आपकी सिम कन्वर्ट होगी तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके मैं उन्हीं दी और आप देख रहे हैं नो no मैच तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नमस्ते थैंक यू फॉर वॉचिंग